हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और भाई आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी है उसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, और पहले के टाइम में जो ईयरफोन्स यूज होते थे उसको रिप्लेस कर दिया है इस तरीके के ब्लूटूथ ईयरफोन्स ने या फिर ब्लूटूथ ईयरबड्स ने। और इस तरीके के जो ईयरबड हैं वो वायरलेस होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई वायर नहीं होती। और आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है इनको यूज़ करने लगे, हालांकि थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन काफ़ी मस्त होते हैं, क्योंकि भाई सीधा इसको जो है कान में लगाओ, ये जो है आई थिंक उल्टा मैंने लगा लिया, बिल्कुल सीधा इसको जो है सिंपली हम अपने कान में ऐसे लगा सकते हैं, मज़े से म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई वायर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन ब्लूटूथ ईयरपोड्स के अंदर क्या चीज़ होती है? तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ है, इनको खोल करके। जी हाँ, एकदम नए ईयरपोड्स हैं, नया बॉक्स है, बॉक्स को भी खोलेंगे, देखेंगे कहाँ पर इसकी बैटरी है, कहाँ से पावर मिलती है, और ये जो छोटे छोटे से ईयरपोड्स हैं इनको भी खोल करके दिखाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन है ये मैंने वैसे तो पर्सनल यूज के लिए मंगवाया था, मैंने इसको एक दिन यूज किया, लेकिन यार हमारा जो दिमाग है वो तो खुराफाती है, तो उसके दिमाग में आया, मतलब हमारे दिमाग में आया कि भाई जो ईयर ये वाला जो ईयरबड है, ईयरपोड है, जो भी आप इसको कहना चाहें, ब्लूटूथ वाला, इसके अंदर क्या चीज़ है। और ये जो है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं मिला ये दिखाने के लिए, जस्ट मैंने रैंडमली मंगवाया था, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, पर्सनली बता रहा हूँ। अगर आपको ये मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ये जो है मुझे 2000 रुपये का पड़ा है। तो यहाँ पर इसको खोलते हैं, बोट का है ये, और इसके अंदर इस तरीके के दो छोटे छोटे ईयरबड्स आते हैं, जो कि मैंने आपको कान में लगाकर को दिखा ही दिए। और ये जो है छोटे छोटे से होते हैं, इनके अंदर छोटी छोटी बैटरीज भी होती होंगी जहाँ से इनको पावर मिलती होगी। और ये है इसका चार्जिंग केस, इसमें ये चार्ज हो जाते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत करते हैं इस छोटे वाले ईयरबड के साथ में, इसको खोलते हैं, उसके बाद में जो इसका चार्जिंग केस है उसको भी खोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस छोटे से ईयरबड को देखें तो एक इस तरीके का रबर आता है, और ये रबर हट गया, ये अंदर का हिस्सा आ गया, और ये है भाई कान में लगाने के लिए रबर, ये भी ऐसे बाहर आ गया, ये चीज़ बच गई। अब इसको कैसे खोला जाए ये देखना पड़ेगा। अबे यार इसमें ये घुस नहीं रहा, और गाइज यहाँ पर मैं ज़बरदस्ती पेचकस घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। और गाइज ये जो आपको तीन इस तरीके के गोल्डन डॉट्स दिख रहे हैं इसके चार्जिंग के लिए हैं, और पेचकस इसमें यार घुस नहीं रहा है, तो इसके अंदर हमको जो इसको ठोकना पड़ेगा भाई। छोटा ज़्यादा है, इस वजह से पेचकस से काम नहीं बना, तो यहाँ पर जो बड़ी आरी है उसका इस्तेमाल करेंगे इसको काटने के लिए, मतलब कोशिश करेंगे। मुझे पता नहीं कि ये भी काम करेगा या नहीं, क्योंकि यार ये ज़्यादा ही कुछ छोटा है, और आरी को धीरे धीरे चलाते हैं। और यार इतनी छोटी सी चीज़ को कैसे काटना पड़ रहा है, और ये कुछ ज़्यादा ही छोटी रह गई तेरी। और भाई अब ये जो है खुल गया है, और हमने जो है आज तक इतनी चीज़ें खोली है, लेकिन यार ये ज़्यादा ही छोटा है, इस वजह से इसने बहुत मेहनत करा दी, और अभी भी ये जो है थोड़ा थोड़ा मना कर रहा है, लेकिन इसकी थोड़ी ना चलेगी। तो यहाँ पर ये जो ईयरफोन है ये इसके अंदर की चीज़ आपके सामने आ गई, और यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट हमको जो है देखने को मिली है। सारी चीज़ें बाहर निकालते हैं एक बार। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक ब्लूटूथ ईयरपोड के अंदर का राज, और यहाँ पर देखो किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक से अंदर, सिंपल ईयरफोन में एक स्पीकर होता है बस इस साइड में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये एक मैग्नेट है, जैसे ही मैं इसको जो पेचकस है उसको इसके पास ले जाता हूँ, देखो ये इससे चिपक जाती है क्योंकि ये मैग्नेट है, और मैग्नेट जो है वो यहाँ पर ये, अरे यार ये इस पर चिपक जा रहा है, मैग्नेट जो है वो ओपन में रखी हुई है, देखो ये रही, और इसी मैग्नेट की वजह से जो स्पीकर है वो काम करता होगा। मैंने मैग्नेट को जो है बाहर निकाल लिया है, तो इसको, अरे यार ये इस पर चिपक रही है, हो सकता है इसके अंदर और मैग्नेट हो। और यहाँ पर है इसका स्पीकर, ठीक है, ये अंदर जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये इसका स्पीकर है, ये एक वायर है ये जो इसमें कनेक्ट हो रही है, और ये गाइस देखो काफ़ी पतली वायर है, बिल्कुल बहुत छोटी सी, और
ये एक प्लेट है, एक सर्किट बोर्ड है यहाँ पर। अब जो है इसको खोलने की बारी है और फिर इसको भी खोलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ और इसके अंदर आती है इसकी बैटरी। गाइस क्या बात है, छोटी सी बैटरी है। ये जो बैटरी है सिर्फ 35 mAh की बैटरी है। यहाँ पर मैं इसके केस पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बैटरी है देखो सिर्फ जो है 35 mAh की बैटरी है, बहुत छोटी सी। इसके अंदर इसका जो केस है इसके अंदर 500 mAh की बैटरी है जो कि इसको कई बार चार्ज कर देती है। और आप लोग देखोगे यार कितनी सी बैटरी इसके अंदर है और ये हमारे कान में लगी रहती है हमेशा। अगर इसके अंदर की बात करें तो भैया इसके अंदर एक और सर्किट बोर्ड है, देखो ये रहा। क्या बात है यार, छोटी सी चीज़ में कितना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने भर रखा है। और इसको भी निकाल लेते हैं ज़रा बाहर एक बार कोशिश करके, देखते हैं कि ये पूरा बाहर आ पाएगा क्या। और इसके अंदर वाली चीज़ को भी मैंने बाहर निकाल लिया है भाई साहब। यहाँ पर आप लोग देखो कि ये इस तरीके का जो सर्किट बोर्ड है ये इसके अंदर आता है। कितने छोटे छोटे इसके ऊपर देखो डिवाइसेस लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो एक ब्लैक कलर का लगा हुआ है और पीछे की तरफ भी देखो काफ़ी सारे यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ें हैं। और आपको काफ़ी ज़्यादा जूम पर ये दिखाया जा रहा है तब जा कर के आपको ये चीज़ें दिख पा रही है। मतलब मुझे मेरी आँख से जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा जो है आपको कैमरा में दिख रहा है। अंदर वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि ये इस तरीके का आई डोंट नो क्या चीज़ है यहाँ पर। इसके अंदर हो सकता है कुछ वायर्स हो। और ये है इसका सर्किट बोर्ड और यहाँ पर है इसका स्पीकर। दोस्तों इसके अंदर यार ये छोटी सी बैटरी है, देखो एक बार कितना सा इसका साइज है। आप इसको जो है मेरी फिंगर से एक बार कंपेयर करो, ये जो बैटरी है कितनी छोटी सी है। और यहाँ पर इसका स्पीकर है, इसको भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइज ये है इसका छोटा सा स्पीकर और ये ही जो है साउंड को प्रोड्यूस करता है। और यार इतना छोटा है कि मैं इसको हाथ में भी नहीं पकड़ पा रहा। और इसके अंदर एक मैग्नेट भी है देखो जो कि हमारे इस पेचकस से चिपक रही है। तो भाई कुल मिलाकर के एक ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर इस तरीके का सर्किट बोर्ड होता है और इसके ऊपर देखो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। सबसे मेन है इस तरीके की बैटरी जो कि देती है पावर, बिल्कुल छोटी सी 35 mAh की बैटरी है। और यहाँ पर जो है स्पीकर का पार्ट है। दोस्तों ईयरबड के अंदर तो आपने देख लिया, अब बारी है इसके केस की जो इसको चार्ज करता है कि इसके अंदर क्या चीज है। तो भाई इसको भी जो है हमको काटना पड़ेगा या खोलना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि इसको जो है कुछ इस तरीके से काटते हैं ताकि हम इसके अंदर की जो चीज है उसको देख पाए। और भाई यहां पर जो केस है वो खुल चुका है और आप लोग देख सकते हो कि केस के अंदर किस तरीके की चीजें हैं। एक इस तरीके का डब्बा है प्लास्टिक का, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या है। और यहां पर है केस के अंदर की स्ट्रक्चर, तो आपको ये दिखाते हैं। यहां पर जो है चारों तरफ में चार जो है छोटे छोटे बोल्ट हैं, बोल्ट मतलब स्क्रूज हैं। और यहां पर जो है इसकी बैटरी है इसके नीचे। तो सबसे पहले तो आपको बैटरी दिखाते हैं भाई। ये है 500 mAh की बैटरी, यानी कि 500 mAh की बैटरी। और यहाँ पर देखो ये बैटरी दो वायर से यहाँ पर कनेक्टेड है और अभी भी इसकी जो लाइट है वो जल रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको इस ईयरपोड को इसमें कनेक्ट करके दिखाऊं, ये दूसरा वाला है जो हमने नहीं काटा। तो यहाँ पर भैया ये कुछ जो है इस तरीके से इससे कनेक्ट हो जाता है। देखो ग्रीन का मतलब है कि ये अभी चार्ज हो रहा है। तो इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर जो लाइट है वो आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा लाइट आना बंद हो जाएगी। यहाँ पर जो है लाइट हो गई बंद और बड़े ध्यान से करना पड़ेगा ताकि बैटरी में शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पर ये भी आ गया है बाहर और आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर जो बोर्ड आया है उसमें भी काफ़ी सारी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लगी हुई हैं। आप लोग देखो ये जो है इसका चार्जिंग पोर्ट था और इसके अंदर ये जो है ये आपको जो दो खूंटे से दिख रहे हैं यहाँ पर होती है चार्जिंग। और देखो यार इतनी सारी चीज़ें हमको खुद को नहीं पता कि ये क्या चीज़ें हैं। इस साइड में आप देख सकते हो ये कनेक्टेड है और भाई ये है पूरा केसिंग और ये है इसकी बैटरी। तो अब आप लोगों ने देख लिया है कि एक ब्लूटूथ ईयरफोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका जो केस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मेरी बात करें तो मुझे सबसे फेवरेट जो चीज़ लगी वो ये बैटरी नहीं लगी, ये भी काफ़ी मस्त है, लेकिन वो कहाँ गई ये वाली, ये जो छोटी सी बैटरी आई है ना हमारे ईयरबड के अंदर वो मेरे को सबसे मज़ेदार लगी यार। इतनी सी बैटरी मैंने पहली बार देखी है
और एक प्रॉपर वर्किंग लिथियम आयन बैटरी, कितने कमाल की चीज है ना। तो भाई अगर आपको मजा आया इस वीडियो में, अगर आपको कुछ आज सीखने को और जानने को मिला, तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस के लिए। अगर आपको ये ईयरफोन मंगवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये क्या था? नमस्कार।